नमस्ते दोस्तों, मैं सपना जैन आपका स्वागत करती हूँ एंड रिच माइंड्स चैनल में। दोस्तों, आज हम वाक्य के विषय में जानेंगे, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लास को आप मिस ना कर सकें। उपवाक्य, सबसे पहले हम समझेंगे उपवाक्य की परिभाषा को। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। कैसा? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो उसे एक वाक्य का भाग हो, मतलब उसे एक वाक्य का क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, या वह उपवाक्य कहलाता है। जैसे एक वाक्य हो गया राजा जंगल में घूमता की शेर आ गया। आप यहां देखेंगे राजा जंगल में घूमता की शेर आ गया। तो यहाँ पे जो राजा जंगल में घूमता है, तो ये क्या हो गया आपका पूरा वाक्य हो गया कि राजा जंगल में घूमता की शेर आ गया। अब इसका उपवाक्य क्या कहलाएगा, आपका जो दूसरा जो वाक्य है इसे ही हम क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य हो गया, तो ये आपका क्या कह रहा है, उपवाक्य। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कि जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, जब, ये सभी शब्द आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, किसके, उपवाक्य के अंतर्गत। अब उपवाक्य को दो भागों में बांटा गया, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य, और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य, मतलब क्या है, इस बार आश्रित रहता है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य को भी तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले आप देखिए संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य किसे कहेंगे, मतलब जो वाक्य क्या है, संज्ञा पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य जो संज्ञा पर आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य ऐसे वाक्य जो क्या है, विशेषण पर आश्रित होते हैं, ऐसे उपवाक्यों को हम क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य मतलब ऐसे आश्रित उपवाक्य जो क्या है, क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। जैसे इसका उदाहरण, ये हमेशा किससे जुड़ता है, की से जुड़ता है। उसका विचार है कि राम सच्चा है या राम सच्चा आदमी है। तो आपने देखा यहाँ पर जो की है वह किसको बता रहा है, संज्ञा को। तो संज्ञा को बताने के कारण ही आपका कैसा आश्रित वाक्य कहलाएगा, संज्ञा उपवाक। तो संज्ञा कैसा, संज्ञा आश्रित उपवाक। कैसा हो जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक। अब विशेषण उपवाक में क्या होगा, आपका जो, जितना, ये शब्द आपके इसके अंतर्गत आएंगे, जो संज्ञा की विशेषता बताएंगे। इसका उदाहरण देखिए, वह बहुत पढ़ता जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। वह बहुत पढ़ता था जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। अब आप यहां पर देखेंगे जो जिससे शब्द है, वह किस क्या है, विशेषण की विशेषता को बताने के कारण क्या है, यहां पर यह कैसा वाक्य कहलाएगा, विशेषण
आश्रित उपभाव कहलाएगा। किससे जुड़ा है ये? जिससे, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। आश्रित उपभाव क्रिया विशेषणों को वाक्य, मतलब जो क्रिया की भी विशेषता को बदलाते हैं, ऐसे वाक्यों को भी हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषणों आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि वर्षा होगी तो मोर बहुत सुंदर नाचेगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यदि वर्षा होगी तो मोर बहुत सुंदर नाचेगा। अब हम यहां पर क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं कि क्रिया मतलब नाचेगा, और कैसा नाचेगा? बहुत सुंदर। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण उपवाक हो जाएगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। अब यहाँ पर जो दो शब्द हैं वे क्या है? यहाँ पर वाक्य को छोड़ रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका? उपवाक्य कहलाएगा। यदि वर्षा होगी एक वाक्य हो गया, तो मोर बहुत सुंदर नाचेगा, मोर बहुत सुंदर नाचेगा आपका दूसरा वाक्य हो गया। इस वाक्य को हमने किससे जोड़ा है? दो से, सॉरी तो से। तो ये नाचेगा क्रिया की विशेषता को बताने के कारण कैसा हो गया आपका? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। संज्ञा का एक उदाहरण देख लीजिए। उसका विचार था कि श्याम बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि उसका विचार था कि श्याम बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब श्याम यहां पर आपकी क्या है? संज्ञा है, और ये जो उपवाक्य है वह क्या है? संज्ञा को बता रहा है, इसलिए आपका अंत ऐसा वाक्य हो जाएगा, संज्ञा उपवाक हो जाएगा। ऐसे दूसरा उदाहरण और समझ लीजिए विशेषण का। जितना परिश्रम करोगे उतना सफल उतना फल मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जितना परिश्रम करोगे उतना फल तुम्हें मिलेगा। तो जो जितना उतना है, आपके जो शब्द आ रहे हैं ये किसको बता रहे हैं? आपके विशेषता को बता रहे हैं कि जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। इस कारण से यहाँ पर आपका कैसा वाक्य आ जाएगा? विशेषण उपवाक आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वाक्य तो ये हो गया कि जितना परिश्रम करोगे, और दूसरा क्या हो गया? उतना फल तुम्हें मिलेगा। तो ये आपका उपवाक हो गया। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक हो जाएगा। अब लास्ट वाला है आपका क्रिया विशेषण।
यदि बादल गरजेंगे तो बरसात होगी। तो बहुत बरसात होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि बादल गरजेंगे तो बरसात बहुत अच्छी होगी या बारिश बहुत अच्छी होगी। तो आपने देखा यहाँ पर जो दो शब्द है और यदि शब्द ही क्या है क्रिया की विशेषता को बताने की। यहाँ पर गरजेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिया की विशेषता बताए जा रहे हैं, तो बरसात बहुत अच्छी होगी। तो इस कारण से कैसे वाक्य हो जाएंगे, आपके क्रिया विशेषण वाक्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारे उपवाक्य समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उपवाक्य से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।